हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल के एसएमएस की मदद से आप जान सकते हैं कि आपका टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत सारी परेशानी लोगों के साथ होती है, बहुत लोग नहीं जानते हैं। वो क्या होता है कि जब वो ट्रेन का टिकट कराते हैं, उनको वेटिंग मिलता है और कई कारण वजह से वो नहीं जान पाते कि उनका टिकट कन्फर्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो सिंपली यदि आपके पास नेट भी नहीं है तो आप आसानी से ये पता कर सकते हैं कि आपका टिकट कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले बता दूं कि जब भी आदमी टिकट कराता है तो टिकट जैसे भी आप रिजर्वेशन करवाते हैं, या स्लीपर का टिकट हो या एसी का हो, किसी भी क्लास का टिकट का रिजर्वेशन कराते हैं तो आपको एक पीएनआर नंबर मिलता है, 10 डिजिट का वो पीएनआर नंबर होता है। तो करना क्या है, आपका मोबाइल, आपको अपना मोबाइल ओपन करना है और मोबाइल ओपन करके आपको जाना है मैसेज बॉक्स में और एक नया मैसेज बनाना है। मैसेज इस तरह से लिखना है पीएनआर, इसको आप कैपिटल में लिख लीजिए या स्मॉल में लिख लीजिए, फिर दोनों के बीच में एक स्पेस देना है। उसके बाद जो आपका पीएनआर नंबर होगा 10 डिजिट का, उसको यहाँ पर लिखना है और इस मैसेज को सेंड करना है 139 पे। जैसे सेंड करते हैं तो आपका रिप्लाई में पूरा डिटेल आ जाता है टिकट का, कि आपका टिकट कन्फर्म हुआ है नहीं हुआ है, टिकट कहाँ से कहाँ तक का है, कितने लोगों का टिकट है, सारी चीज़ उसमें आ जाती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ लोगों के साथ दिक्कत होती है, ट्रेन का लोकेशन। क्योंकि कई बार जाते हैं कहीं स्टेशन पर, बहुत सारा भीड़ भाड़ होता है, वहाँ पर पता नहीं चल पाता है कि आपका ट्रेन कहाँ पे है, और हो सकता है कभी कभी आपका नेट काम नहीं करता हो। उस केस में आपका ये एसएमएस वाला जो सिस्टम है बहुत काम आता है। तो आपको अपना मोबाइल फिर ओपन करना है, मैसेज बॉक्स में जाना है, क्रिएट मैसेज में जाना है और क्रिएट मैसेज में जाके पहले मैसेज टाइप करना है 1 SPOT spot, ये आप कैपिटल में लिख सकते हैं या स्मॉल में लिख सकते हैं। उसके बाद देना आपको एक स्पेस, उसके बाद लिखना है आपको ट्रेन नंबर, जो भी आपका ट्रेन नंबर जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो ट्रेन कहाँ है, उसका आप नंबर लिखेंगे। नंबर जनरली 5 डिजिट का होता है और इसको सेंड करना है 139 पे। जैसे ही आप सेंड करते हैं तो आपके पास 139 जो ISTT का कॉल सेंटर है, वहाँ से आपको कंप्यूटर जनरेटेड आपको एक मैसेज मिलता है, जहाँ पे अब लिखा जाएगा, लिखा होता है कि आपकी ट्रेन कहाँ पे है। तो दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं आजकल PNR के थ्रू, जानते हैं लोग कि आपके आपका ट्रेन का टिकट कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ। ट्रेन यहाँ पर टिकट स्टेटस है। और साथ ही और भी चीज़ें हैं, जैसे आप ट्रेन का शेड्यूल जाना चाहते हैं, ट्रेन का रूट जाना चाहते हैं, ट्रेन का टाइम टेबल जाना चाहते हैं, ट्रेन का नाम जानना चाहते हैं, तो करना कि आपको सिंपली यदि शेड्यूल जाना चाहते हैं तो शेड्यूल टाइप करेंगे, मैसेज बॉक्स में स्पेस देंगे और ट्रेन का नाम देंगे, ट्रेन का नंबर देंगे, शेड्यूल स्पेस ट्रेन नंबर, उसको सेंड करेंगे 139 पे। तो उसका उसके बाद आपको एक रिप्लाई और एक मैसेज आपको मिलता है जिसमें सारा शेड्यूल लिखा होता है कि काम कहाँ से खुलेगी, क्या है, सब कुछ लिखा रहेगा उसमें, और रूट के लिए किस रूट से आ रही है और क्या टाइम होगा। रूट आप टाइप करेंगे, स्पेस देंगे और ट्रेन नंबर लिखेंगे, सेंड करना है आपको 139 पे। आप टाइम टेबल जाना चाहते हैं अपने ट्रेन का तो टाइम लिखिए, स्पेस दीजिए और ट्रेन नंबर डालिए और साथ में इसको भेजना है 139 पे। यदि आप ट्रेन का नाम नंबर आपको पता है, ट्रेन का नाम नहीं पता है, तो सिंपली करना है कि आपको सिंपली आपको करना है TN लिखना है, फिर ट्रेन नंबर हमारे 13019 हमने लिख दिया सही, और उसको सेंड करना है आपको सेंड टू, और सेंड टू लिखना नहीं है आपको, मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ, सेंड टू लिखना नहीं है आपको, लिखना सिर्फ आपको TN और इतना ही है, सब में आपको ये वर्ड आपको नहीं लिखना है, सेंड टू कहीं भी लिखना नहीं है, मैसेज टाइप करना है आपको इतना और उसको सेंड करना है 139 पर। तो TN लिखेंगे आप, ट्रेन का नाम लिखेंगे और तो नंबर आ जाएगा, नंबर लिखेंगे तो नाम आ जाएगा, इसको सेंड आपको करना है सेंड टू 139 पे, ठीक है। और साथ ही यदि कोई भी चीज़ आपको SMS करने में दिक्कत आ रही है, सीधे आप 139 पर कॉल भी कर सकते हैं, और कॉल जो करेंगे उस पर आपको बहुत ध्यान सुना होगा, उसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे कि ट्रेन का लोकेशन जानने के लिए ये दबाएँ, वो दबाएँ, आपको PNR नंबर जानने के लिए करें, तो आप उसको फॉलो करिए, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर कॉल पर भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आपको बता दूं कि बहुत सारी दिक्कत होती है लोगों की गंदगी को लेकर, और कई सारे ऐसा जनरली देखा जाता है कि बहुत सारे कोचेज में सफाई टाइम पर नहीं मिल पाती है उनको। तो सिंपली आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको करना क्या होगा, क्लीन आपको लिखना होगा, CLEAN क्लीन, स्पेस देना होगा और आपको PNR नंबर लिखना होगा 10 डिजिट का जो आपको टिकट में है। तो सिंपली आपको टाइप करिए क्लीन और आप जो है अपना PNR नंबर नोट करिए और इसको सेंड करना है 5888 पर। उसके बाद आपको एक रिप्लाई आता है, वहाँ पर आपको इंश्योर किया जाएगा कि अगले स्टेशन पे आपकी कोच की सफाई कर दी जाएगी। तो ये बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन था, यदि आप ट्रेन में जर्नी करते हैं, मोस्टली आपको बता दूँ नियर अबाउट 2 करोड़ लोग पर डे
ट्रेन में जर्नी करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स उनके साथ आती रहती हैं। और इंटरनेट का प्रॉब्लम भी बहुत से लोगों के साथ होता है, कई बार इंटरनेट स्लो हो जाता है, काम नहीं करता है, नेट पैक ख़त्म हो जाता है, उस केस में आप SMS का यूज़ करके आसानी से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूँ, देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें बताया था मैंने पहले ही कि 139 जो है वो रेलवे इंक्वायरी थ्रू SMS के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है, यही एक ऑप्शन है। 139 पर SMS भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। टिकट के लिए बताया था आपको PNR करना होगा और स्पेस देकर अपना ट्रेन टिकट का PNR नंबर, आपको ट्रेन टिकट का स्टेटस मिल जाएगा। अराइवल डिपार्चर टफ काम है, ये थोड़ा सा मुझे फालतू चीज़ लगती है क्योंकि बहुत आपको स्टडी को दिक्कत आती है। छोड़िए, ट्रेन लोग सब करेंगे देंगे, ट्रेन कहाँ पता चलेगा, फिर सब परेशान हो इसका लेन दी ट्रेन नहीं देंगे तो ट्रेन टाइम टेबल टाइम स्पेस करने हैं वो क्लीन माई कोच, यदि आप क्लोज क्लीन हो उसके में सिर्फ आपको क्लीन देना देना PNR नंबर देना और भेजना है, SMS में सेंड करने को सबको करना होगा। दोस्तों यदि आपको ये अच्छा लगा मिशन है इस आपका टिकट तो कन्फर्म हो जाता है, आपको पता उस आपके सीट पर कोई और सफर कर देता है, कोई और जगह वो पता नहीं आपका टिकट कन्फर्म हुआ है तो आप ये जान लीजिए। और ये SMS एक्चुअली पेएबल है लेकिन दोस्तों सप्लाई सब